So hey, what's up, dude? I'm it's your boy Mohit, but back again with a new and a sexy video, dude. सभी आप लोग सोच रहे होगा कि यार वीडियो घर के अंदर बैठकर स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि कुछ तो बेटा ये ज्ञान बांटने वाला है या तो बहुत ज्यादा बोर करने वाला है। तो गाइस ऐसी कोई बात नहीं है, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है और ये वीडियो एक व्लॉग ही है। बस मुझे थोड़ा सा आपको स्टोरी बतानी पड़ रही है क्योंकि ये जो चीजें हुई है वो थोड़ी सी अचानक में हुई है, इसलिए मैं इसके पीछे आपको स्टोरी बता रहा हूँ। तो फटाफट से शुरू करते हैं। और एक चीज गाइस, इस वीडियो में मुझे बहुत सारे सरप्राइजेस मिले अपने बर्थडे के दिन, तो जरूर से देखना है ये वीडियो को, वरना एंड तक देखना ना आप मिस कर दोगे कुछ चीजों को। तो चलो फटाफट से अपनी जो स्टोरी टेलिंग है उसको शुरू करते हैं। तो गाइस आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज डेट है 25 और जो अभी आगे आप वीडियो देखोगे वो शूट हो चुकी है 23rd ऑफ जून को और मेरा बर्थडे होता है 24th को। तो 23rd को हमने कहीं जाने का प्लान किया, मतलब मैं घर पे नहीं था 23rd को, तो हमने क्या किया उस दिन वो आप लोग अभी आगे देखो और आपको खुद ही समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया। तो अभी आप लोगों ने स्टोरी टेलिंग देख ली होगी, तो अभी फटाफट से मैं निकलता हूँ और बाद में आप लोगों को मिलता हूँ। मतलब अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब हम लोग त्र्यंबकेश्वर की तरफ जा रहे हैं और आज वहीं पर रुकने वाले हैं होटल में और सेलिब्रेट वगैरह करेंगे, जो भी होगा मतलब थोड़ा बहुत करेंगे। मैं तो केक मनाही करने वाला हूँ क्योंकि यार केक बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, मैं इतना मीठा आता नहीं हूँ। खाना मंगा लेंगे, बढ़िया चिकन विकन मंगा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन अभी केक नहीं मंगाएंगे। और जैसा कि पहले अभी मैं एक अपने एक ही दोस्त के संग, अपने जिगरी यार के संग जा रहा हूँ, हम दोनों मस्त, हमारी प्राइवेट पार्टी, बेटर डिस्को नहीं जाता, समझिए ना। हाँ तो हम लोग जा रहे हैं, अभी बाकी की बातें आगे करते हैं, पहले यहाँ से निकलते हैं और आउटफिट भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग पहुंच गए अपने दोस्त के घर आए, मतलब वो गाड़ी पे लेके आया मेरे को, तो अभी ये भी कपड़े बदलेगा और उसके बाद हम लोग जाएंगे हेलमेट लेने मेरे दोस्त के पास, उसको फोन करता हूँ मैं, और फिर उसके बाद हम लोग फाइनली होटल जाएंगे और फिर वहाँ पे देखते क्या होता है आगे। वीडियो देखते रहो। तो भाई वहाँ से पेट्रोल भरा के हम लोग निकल गए थे और अभी अपने होटल के बहुत ज़्यादा पास है, थोड़ा सा ही बचा है और ये थोड़ा रुके, अभी पेट्रोल भरा लिया था वहाँ से, अभी होटल के अंदर चलते हैं, उसके बाद आगे क्या आपको सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ, बर्थडे वर्थडे मनाते हैं, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। चलो 5 minutes later तो भाई फाइनली हम लोग हमारे रूम पर पहुँच गए थे और फिर अभी अंदर आ गए रूम से। रूम इतना कुछ बढ़िया नहीं, मतलब ठीक है, ना तो खराब है ना तो ज़्यादा वो है, देख लो आप लोग भी, देख लो आज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब जो है यहाँ पे दो बेड पड़े हुए हैं, देख लो सब कुछ वहाँ पे कर्टन है और यहाँ पे खिड़कियाँ भी, अंधेरा हो रहा है तो कुछ दिखेगा नहीं, कल सुबह मैं आप सबको सब कुछ दिखा दूंगा बढ़िया से। और तुम्हारे भाई का आउटफिट अगर तुम बर्थडे का देखो तो कुछ ऐसा है भाई, नीचे तक देखो भाई, नीचे तक पूरा, इस बार तुम्हारे भाई ने पूरा फॉर्मल लिया है और अच्छा लग रहा है भाई। तो देखते रहो वीडियो को और अभी मैं कुछ तो थोड़ा बहुत करता हूँ, देखते हैं गाने वाने बजाते हैं, बढ़िया से एंजॉय करते हैं, खाना लाते खाते, केक तो लाऊंगा नहीं, बहुत मीठा खा लिया और चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है, पहले खाना लेके आते हैं उसके बाद बाकी बात करते हैं। चलो और एक चीज़ आपको बताता हूँ, आज पता नहीं क्यों मुझे कैमरा से ब्लॉग करने का बहुत ज़्यादा पूछा था, तो मैंने आज अपना 1500 जो डी है कैनन का उस पर हम ब्लॉग करें, दिखा देता हूँ आपको, देखो तो आज कैमरा में ब्लॉग कर रहे हैं भाई, हम देखते हैं कैसी क्वालिटी आती है। ये अपने शेर खान, अपना बहुत खास आदमी है यार, अपना सुख दुख में हमेशा अपने साथ रहता है, बहुत मदद करता है अपनी। तो भाई सपना बहुत अच्छा यार है भाई, ये लोग देखो ये बिस्तर में सोया हुआ है, बहुत बहुत मदद करता है अपनी। तो इसी के संग आया मैं, क्योंकि मैं नहीं, मतलब मेरे को इसी के संग करना था, मेरी मर्जी भाई, मेरी मर्जी। और तो अभी बढ़िया से बर्थडे वर्थडे मनाएंगे, खाना वाना लेने जाते हैं और आज पूरा टाइम कैमरा पे ब्लॉग करेंगे। क्या क्या बोलते हो तुम, कैमरा पे ब्लॉग कैसे करोगे यार? कैमरा ही ब्लॉग कैसे करने का, क्वालिटी बहुत बढ़िया आ रही है यार कैमरा की, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी दे रहा है अपना कैमरा। और अभी मेरे को लेंस भी लेना था, मेन तो हम लोग को लेंस लेने जाना था लेकिन वो हो नहीं पाया है क्योंकि
हमने कॉल किया था लेंस वालों को और उन्होंने बोला, मतलब शोरूम में कॉल किया था, उन्होंने बोला कि लेंस अभी अवेलेबल नहीं है कोविड की वजह से, उन लोग ने स्टॉक रखा नहीं है। तो फिर अभी हम देखते हैं बात करके, और मैं शायद वो यही ब्लॉग में डाल दूंगा जब भी खरीदूंगा, या तो शायद मैं अगर तो इसमें भी डाल सकता हूँ, पता नहीं, देखते हैं अभी जैसा सिचुएशन होगी उस हिसाब से करेंगे। और चलो अभी चलते फटाफट खाना खाने जाते हैं, वरना खाना अभी मिलेगा नहीं। अभी तो अभी थोड़ा होटल से नीचे को आए और अच्छी बात है कि होटल के सामने ही एक हमको वो मिल गया, क्या बोलते हैं, खाने के लिए ढाबा वाबा कुछ तो है। देखो ये पीछे है हमारे यहाँ पे, और तो यहाँ पे जाते हैं और कुछ तो लेते, चिकन लेते, क्या बोलते हैं यार, तो मटन बिरयानी खाएंगे आज। मटन बिरयानी खाएगा तू, आज का मटन बिरयानी यार। अभी ना कल खाए थे ना, थोड़ी देर के बाद छूट कर, कल खाए, अच्छा तुम खाए थे, मैं थोड़ी खाया था, मैं चिकन बिरयानी खाया था उसके। मेरे को हफ्ते में 8 दिन लगते हैं। अभी थोड़ा फो अंधेरे में शूट कर रहे हैं यार, क्या कर सकते हैं, चलो थोड़ा लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। अबे तो अभी हम लोग खाना लेके रूम पर आ गए थे, और क्या क्या खाने को लाए वो भी दिखाता हूँ। मतलब ये देखो इसमें रखा हुआ है सब, इसमें थोड़ा कुछ लाए, दो चीज़ें लाए वो दिखाता हूँ आपको, ये थोड़ा पानी का बॉटल लाए थे। तो बाकी अभी देखेंगे, अगर और भूख लगती है तो ले लेंगे, वरना फिर अभी खा के थोड़ा गाने वाने बजाएंगे आराम से, और आराम से फिर सोएंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या बनाते हैं। हाँ तो इसमें मंचूरियन, ये नूडल्स है इसमें, शायद नूडल्स और राइस, इसमें मंचूरियन। अभी इन लोगों ने, गरीबों ने हमें चम्मच तक दी नहीं है, कैसे खाएंगे हम भाई बताओ। चलो देखते हैं हम इसको कुछ खाने का जुगाड़ करते हैं, तब तक आप लोग बैठे हो देखो क्या करते हो, जो करते हो करो यार। गजब बेइज्जती, गजब बेइज्जती। मोहित इस साल फूल जाएगा कि नहीं, 2017 में फूलेगा क्या? क्या फूल जाएगा कि नहीं? फूलेगा ना, ये देख कैसा फूला है, कड़क और ज्यादा, और फूला बसरे फूल जाएगा। नहीं ना भाई, देख कड़क एकदम, क्या 7 साल का हो गया तुम्हारा भाई, 7 साल 17 का भाई पूरा होटल गंदा कर दिया भाई सर, एक बार ये बंदे ने, मैं तो अच्छे से रहता भाई। हाँ इतना अच्छे से कि पूछो ही मत। ये देखो ये देखो ये देखो, उसका ही कपड़ा है सब, बॉटल उसका ही है। किसने रखा है कैमरा? अरे कैमरा की इज्जत क्या? हाँ भाई अभी तो लेने वाले है दूसरा कैमरा ना। ऊपर चकेगा ही नहीं जल्दी, क्या होती पता है, आप एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग रखते हैं और होता कुछ और है। तो वैसे ही मैंने भी कुछ किया था कि 17 ऐसे करेंगे और गाना वाना चलाएंगे, लेकिन अब गाना चला नहीं सकते क्योंकि यहाँ से बाजू में एक सोसाइटी वाले रहते हैं यहाँ पे, तो वो लोग को डिस्टर्ब हो जाएगा इसलिए। और ये 17 हमने देखो कितने क्या बढ़िया तरीके से लगाया, मैं आपको दिखाना जरूर चाहूंगा इसको, देखो वाह यार कितना, मतलब इसको देख के ऐसा लग रहा है बेचारे को ठूस ठूस कर खड़ा किया है, लेकिन क्या कर सकते ये आदमी ने खड़ा किया ऐसे दिमाग, कुछ भी मतलब दिमाग लगा दे रहा है भाई, क्या ही बंदा है। तो अभी ना क्या करते हैं, अभी मैं वैसे आपको बताना भूल गया था, आज है 23 को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और आज 12 बजे बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट करूंगा मैं, उसके बाद देखते हैं शायद 24 को हम लेंस लेने जाएंगे या फिर कुछ तो करेंगे, और कैसा वीडियो आएगा पता नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाई अभी हम लोग थोड़ा सा ना यहाँ पे फोटो शूट करने की कोशिश करेंगे, इसमें देखते हैं अच्छे फोटो आते हैं तो ठीक है, वरना क्या कर सकते हैं, फिर नहीं करेंगे, देखते हैं।
गाइस हमारा दोस्त पागल हो चुका है वो खतरनाक फोटो शूट कर रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है पोज कैसे तो कुछ भी उठा के तलवार भाई साहब कोई थे के साथ बोल रहे अरे भाई गाइस हम जा रहे सोने अरे पागल ने पता नहीं कौन सी लाइट जलाई भूतिया बना दिया तू यार ऐसी मेरी फट रही है इधर बार बार यहाँ से आवाज आ रही खड़पड़ शुरू कर दी लाइट चालू कर दे रोमेंट ये बंद कर दे भाई क्या है ये बात ये दरवाजा बंद करके आए कि चेक करो रुको जरा हाँ भाई तो कल हम लोग सो गए थे सब बड्डे वड्डे करके मतलब खाना वाना खा के और उसके बाद थोड़ा बहुत पहले शूट किया जो सब आपको दिख गया होगा और बाकी तो मैं भूल गया मतलब फिर याद ही नहीं रहा मुझे शूट भी करना है सब ऐसे ही पड़ा हुआ है यहाँ पे सामान कैमरा वैमरा पड़ा है ये देखो भाई रूम मतलब ऐसा कर दिया है ना ये इसको कौन ले जाएगा पता नहीं कैसे ले जाएंगे तो देखते हैं अभी पहले ना घर पहुँचते हैं उसके बाद चलो ये देखो ऐसे क्या रखा है डब्बा भाई इसको देखता कौन है हाँ तुमने देखा कैसे बुआ हाँ चालू नहीं हो रही है चालू क्या अबे ये क्या खाली दिखाने के लिए शो के भाई ये चल और कैसा रहा क्या कहना चाहोगे आप मेन पार्ट तो अपन शूट करना भूल गए 12 बजे का सो गए अपन खा वो सब कर नींद लग गई है और ये बंदा मुझे बोल रहा था कि 6 बजे उठेंगे 5 बजे उठेंगे 5 बजे इसका अलार्म बजता है आज उठता है 8 बजे तो उठते बजे जाते हैं फायदा क्या है भाई इससे 8 बजे का अलार्म लगा लेते तू नहीं ना 5 बजे उठूंगा तो मालूम पड़ता है 5 बजे चलो भाई अभी चलते आगे देखेगा हाँ भाई तो ऐसा कुछ हमने किया 23rd के पूरा दिन मतलब हमने होटल में सेलिब्रेट किया वहीं पे रहे और सब सेलिब्रेट किया और कुछ चीजें मैं शूट करना भूल गया मैंने ब्लॉग में बताया होगा क्योंकि यार हम अपने मस्ती में बिजी हो गए और फिर थक के सो गए तो कुछ चीजें शूट करनी रह गई चलो कोई बात नहीं छोड़ो यार हर चीज वीडियो के लिए थोड़ी होती है कि नहीं कुछ चीज अपने लिए भी तो होती है तो बस फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम सुबह 7 बजे उठे 7 बजे उठने के बाद हम लोग करीब 8:30 तक अपने घर पहुंच गए थे त्र्यंबकेश्वर थे हम लोग वहां से हमारे घर पहुंच गए उसके बाद हम लोग फटाफट से रेडी होकर गए जिम और फिर जिम में जो सरप्राइज मिला वो क्या था ये देखो तो गाइस यही था कुछ हमारा आज का वीडियो और मुझे लगता है कि आपको पसंद जरूर आया होगा सो आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो इफ यू डिड देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल हिट द बेल आइकन आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे सुपर सेक्सी डूड चलो